Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dust Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful abaya, so please keep watching this video till the end. सो गाइज माशाल्लाह से रमज़ान चल रहे हैं एंड रमज़ान स्टार्ट होने से पहले से ही हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हिजाब ड्रेस एंड अबाया ड्रेसेस की. सो गाइज़ यहाँ पर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल से अबाया की डिज़ाइनिंग की है बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में. अगर आपसे सिंपल स्टिचिंग भी आती है तब भी आप घर पर इसको बहुत ही ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इट्स रियली ईजी टू डू. सो गाइज़ हमने इस अबाया में फुल फ्लेयर दिए हैं, साथ में ही इसके फ्रंट में बटन्स भी दिए हैं एंड गाइज़ इसकी स्लीव्स हमने पफ स्लीव्स बनाई हैं. सो बेसिकली गाइज इस अबाया को हमने फ्रंट से ओपन नहीं रखा है, आप चाहो तो इसको फ्रंट से ओपन भी रख सकते हैं, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस. सो गाइज नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिजाइनिंग वीडियो. इस अबाया को डिज़ाइन करने के लिए गाइज यहाँ पर हमने 4 मीटर अबाया फैब्रिक यूज़ किया है विच इज़ इन वेरी गुड क्वालिटी. सो गाइज आप अबाया के लिए कोई भी अबाया फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्रिंकल फैब्रिक, करे फैब्रिक या फिर हैवी जॉर्जेट फैब्रिक. यहाँ जो हमने फैब्रिक लिया है ये हैवी जॉर्जेट फैब्रिक है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. सो फर्स्टली गाइज हमने 3.5 मीटर से थोड़े ज़्यादा फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है लेंथ वाइज एंड गाइज हियर यू कैन सी दिस इज़ द 2 फोल्डेड फैब्रिक हियर. हमने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया है जिसकी लेंथ अबाउट 60 इंचज़ है एंड गाइज इसको फोल्ड करने के बाद इसकी विद अबाउट 60 इंचज़ ही है बिकॉज इस फैब्रिक की फैब्रिक विद काफ़ी ज़्यादा थी. सो गाइज अब हमने इसको बायस या तिरछा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से. अब ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्डेड हो जाएगा एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो गाइज अब हमने सबसे पहले इसकी लेंथ मेज़र करनी है. 4 फोल्ड होने के बाद जो इसकी लेंथ आई है 58.8 इंचज़ आई है. सो गाइज अब हमने इंच टेप की हेल्प से सर्कुलरली 58.8 इंचज़ पर मार्क कर लेना है. सो गाइज आप देख सकते हो हमने किस तरीके से इंच टेप को रखते हुए मार्क किया है. सो गाइज वैसे ही हमने छोटे छोटे डॉट्स लगाते हुए इसको सर्कुलरली मार्क कर लेना है. सारे ही डॉट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है. ज्वाइन करने के बाद गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सो जो मार्किंग हमने की है सबसे पहले हमने इसको कट करते हुए एक साइड कर लेना है एंड गाइज साइड से जो फैब्रिक बचेगा इसी का यूज़ करते हुए हमने इसकी स्लीव्स डिज़ाइन करनी है. सो गाइज हम अब इसको ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद गाइज जो दूसरी वाली साइड है फोल्डेड साइड उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे. बेसिकली गाइज हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे. यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट्स मिल गए हैं. अब गाइज हमने एक पार्ट को एक साइड कर लेना है एंड गाइज एक पार्ट को हमने दोबारा से 2 फोल्ड कर लेना है वैसे ही जैसे कि हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखा था स्टार्टिंग में. सो गाइज अब हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, इसको हमने फ्रंट से भी कट कर लेना है. फ्रंट के हमने 2 पार्ट्स पीस से कट कर लेने हैं बिकॉज हमने इसमें प्लेकेट तैयार करना है. सो गाइज यहाँ हमने इसको फ्रंट से कट कर लिया है. कट करने के बाद गाइज हम इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद गाइज हमने दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अबाउट 1 इंचज़ का प्लेकेट स्टिच कर लेना है. सो गाइज वैसे ही हमने दूसरी साइड से भी फोल्ड करते हुए दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है. सो गाइज सबसे पहले हमने 1/2 इंचज़ फैब्रिक लेना है देन इसको अगेन से फोल्ड कर लेना है. 1 इंचज़ के करीब हमने प्लेकेट रेडी कर लेना है. सो गाइज ये हमने फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं एंड गाइज यहाँ जो हमने ये प्लेकेट्स बनाए हैं अब हमने एक पार्ट के प्लेकेट के ऊपर दूसरे पार्ट का प्लेकेट रखते हुए रफली स्टिच कर लेना है. सो गाइज ये हमारा बैक पार्ट है. अब गाइज हमने बैक पार्ट पर मार्किंग करनी है. सो बेसिकली फ्रंट पार्ट को तो हमने बीच से कट करते हुए 2 पार्ट्स बना लिए थे. ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको दोबारा से हमने वैसे ही फोल्ड कर दिया जैसे कट किया था. सो गाइज अब हमने नेक विथ के लिए यहाँ पर 6-6 इंचज़ मार्क किया है बट गाइज आपने 6-6 इंचज़ बिल्कुल नहीं मार्क करना, आपने 3.55 इंचज़ ही मार्क करना है बिकॉज ये नेक हमारा काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया था. सो गाइज यहाँ हमने नेक राउंड मार्क कर लिया. नेक राउंड से नीचे की तरफ हमने 10 इंचज़ पर मार्क लगाना है. सो गाइज अगर आप नेक राउंड लेंथ 3.55 इंचज़ मार्क कर रहे हैं तब भी आपने ये 10 इंचज़ पर ही मार्क करना है. उसके बाद गाइज जो आपकी बस्ट फिटिंग है उसको 4 से डिवाइड करते हुए प्लस 2 इंचज़ लूजिंग एड करते हुए अपनी बस्ट फिटिंग मार्क कर लेंगे एंड गाइज उसके बाद जो हमने नेक राउंड मार्क किया है उससे अब
अबाउट 19 इंचेस की लेंथ पर हमने एक मार्क लगा लेना है इधर की साइड, वैसे ही हमने दूसरी साइड भी एक और मार्क लगा लेना है 19 इंचेस पर। सो गाइज इस तरीके से अब गाइज हमने अपनी वेस्ट की फिटिंग मार्क कर लेनी है। यहाँ से हम वेस्ट फिटिंग मार्क करेंगे। सो यहाँ पर जो हमने वेस्ट फिटिंग ली है इसको काफ़ी ज़्यादा हमने लूज़ रखना है। सो गाइज इसलिए यहाँ पर अबाउट 13 इंचेस पर हमने इसको मार्क कर लिया है। अब गाइज हमने इस तरीके से शेप दे देनी है, बॉडी शेप एंड डॉट डॉट करते हुए नीचे की तरफ से मार्क करते हुए नीचे से मिला देना है। अब गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जो हमने मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। बेसिकली गाइज अबाया काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं एंड गाइज ये हमारा एक ओरेब अबाया है, इसीलिए गाइज ये काफ़ी ज़्यादा लूज रहेगा। सो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब गाइज हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। सो गाइज जैसे हमने आपको बताया था, हमने फ्रंट पार्ट को दोनों ही प्लेकेट्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए हमने स्टिच कर दिया है रफली। सो गाइज़ अब हमने जो बैक पार्ट मार्क किया है एंड कट किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमने फ्रंट पार्ट को भी मार्क करते हुए कट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को बी से फोल्ड करते हुए पिन अप कर दिया है, जिससे कि कटिंग करने में इजी रहे। सो गाइज़ जो हमने बैक पार्ट की मार्किंग एंड कटिंग की थी, वैसे ही सेम हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। एंड गाइज स्टार्टिंग में जब हमने दोनों पार्ट्स को ओरेब कट किया था, उसके साइड से जो फैब्रिक रह गया था हमने उसी फैब्रिक को यूज़ करते हुए इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज अब हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइज ये हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक है जिसको हमने स्क्वायर कर लिया। अब गाइज हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव लेंथ यहाँ पर 23 इंचेस ली है एंड 2 फोल्ड होने के बाद हमारा यहाँ पर फैब्रिक 9 इंचेस है। सो गाइज अब हमने स्लीव्स के लिए मार्क करना है। सो आप देख सकते हो ये जो हमारा शोल्डर है 9.5 इंचेस के अबाउट है। अब गाइस सबसे पहले हमने इस पर मार्क करना है अबाउट 2.5 इंचेस या फिर 3 इंचेस हमने मार्क कर लेना है। 2.5 इंचेस हमने मार्क कर लिया है एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी आर्म होल के लिए लेंथ है, सेम लेंथ हमने स्लीव पर मार्क कर लेनी है। उसके बाद गाइस इसको तिरछा बायस मार्क करेंगे इस तरीके से एंड गाइज स्केल की हेल्प से हमने इसकी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। सो गाइज ऊपर की तरफ जो हमने मार्क किया है वो हमने 3 इंचेस का मार्क किया है, जो हमने आप देख रहे हो। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। सो गाइज ये हमारे स्लीव का आर्म होल कट हो गया। इस तरीके के अबाया में गाइज इसी तरीके से आर्म होल कट करते हैं एंड गाइज अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हो नीचे की तरफ से हमारा आर्म होल निकला हुआ है, इसलिए हमने स्लीव को ऊपर करते हुए एडजस्ट कर लेंगे। जो भी लेंथ निकलेगी वो ऊपर की तरफ से निकल जाएगी। इसके बॉटम में गाइज हमने छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेनी है। आप इसको थ्रेड प्लेट्स या फिर फोल्डिंग प्लेट्स बना सकते हो, जो भी आपको कम्फर्टेबल रहे लगे। उसके बाद गाइज हमने दोनों साइड से स्लीव को अबाउट 2-2 इंचेस पर हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, बिकॉज हमने इसमें कफ लगाने हैं इसीलिए। सो गाइज इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए एक एक स्टिचिंग लगा देंगे दोनों ही साइड्स में। सो गाइज ये हमने दोनों ही साइड्स में इसको स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हो साथ में ही प्लेट्स भी बना ली हैं। यहाँ पर हमने गैदरिंग प्लेट्स बनाई हैं थ्रेड वाली। अब गाइज हम इसका कफ रेडी करेंगे। कफ रेडी करने के लिए फैब्रिक लेंथ यहाँ पर अबाउट 18 इंचेस है, फैब्रिक विथ 4.5 इंचेस है एंड गाइज जो हमने कैनवास पेपर लगाया है उसकी लेंथ विथ 4 इंचेस एंड लेंथ 8 इंचेस है। अब गाइज इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी आयरन कर लिया था कैनवास पेपर को। अब गाइज इसको हमने 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से एंड गाइज हमने ऑल 3 साइड से इस पर स्टिचिंग लगा लेनी है। जो हमारा कैनवास फैब्रिक है इसके हल्की सी किनारी लेते हुए हमने स्टिच कर लेना है। अब गाइज हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, साथ में इसके कॉर्नर भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद गाइज हम इसको टर्न करेंगे राइट साइड में। सो गाइज अब हमने इसको टर्न करने के बाद इसके कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ पर हम सीजर यूज़ कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से कॉर्नर निकल जाते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही साइड से इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेना है। अब गाइज हमने जो स्लीव्स में गैदरिंग की हुई है उसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैनवास फैब्रिक हमने स्टिच किया हुआ है उधर वाली साइड से हमने इसको ऐसे स्टिच कर लेना है जो हमारी गैदरिंग्स है एंड गाइज उसके बाद जब हम गैदरिंग्स को स्टिच कर लेंगे
स्टिच करने के बाद गाइज हमारा जो स्टिचिंग फैब्रिक है उसको हमने अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेना है। ऊपर की तरफ से कफ फैब्रिक को हल्का सा फोल्ड करते हुए अबाउट हाफ इंच का जो कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड करते हुए हमने इसको सिक्योर कर लेना है। जो भी स्टिचिंग फैब्रिक है सबको इंसर्ट करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। एंड साथ में ही गाइज जो अब हमने साइड से भी इसको फिटिंग कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। हमने इसे बॉटम से भी स्टिच कर दिया है। जो हमारा स्टिचिंग फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए कफ के अंदर हमने इसको स्टिच कर दिया है। साथ में ही साइड से भी स्टिच कर दिया है। अब गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब गाइज हमने इस स्लीव को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हम कफ में बटन्स लगा लेंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप टिच बटन भी लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज हमने इस स्लीव को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेना है। एंड गाइज साथ में ही जो हमने इसकी साइड्स कट की हुई हैं इनको भी जॉइन कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इसकी साइड्स को जॉइन कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद गाइज हम इसको बॉटम से इक्वल कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बॉटम काफ़ी ऊंचा नीचा हो रहा है, इसलिए गाइज इसको हम इक्वल कर लेंगे साइड की फिटिंग लगाने के बाद। एक बार पहन के देख लेंगे, जहाँ से भी ऊंचा नीचा दिखे आप उसको कट करते हुए सिक्योर कर लेना है। साथ में इसको पीको या फिर फोल्डिंग करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है। एंड गाइज बिकॉज हमने नेक विद इसकी काफ़ी ज़्यादा डीप रखी थी 6-6 इंचज़, जो कि हमने आपको बताया था 3.55 इंचज़ रखनी है, उसी जैसे यहाँ पर गाइस हमारी स्लीव्स में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है। हमारी स्लीव्स ऊपर की तरफ निकल गई हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप नेक राउंड 3.55 इंचज़ का कट करोगे तो आपकी स्लीव इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं निकलेंगी शोल्डर से। सो गाइज अब हमने इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं इसके शोल्डर्स में प्लेट्स डालेंगे, बिकॉज हमारा नेक राउंड काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुका है। बिकॉज हमने इसको 6-6 इंचज़ पर कट किया था, आपने ओनली 3.55 इंचज़ पर ही कट करना है। एंड गाइज इस तरीके से जब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो हमने स्लीव्स को सिक्योर कर इक्वल कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने प्लेट्स भी डाल दी हैं। प्लेट्स डालने के बाद आप स्लीव्स को इक्वल कर लेंगे। अगर आप नेकराउंड 3.5 इंचज़ रखेंगे तो आपको शायद ज़रूरत नहीं हो कोई प्लेट्स वगैरह डालने की, बट गाइज यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, उसको हमने सही करने के लिए यहाँ स्लीव्स में इस तरीके की प्लेट्स बना दी हैं। बट गाइज पहनने के बाद ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट हमारा थोड़ा सा नेकराउंड डीप हो गया था। सो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने नेकराउंड है वो कम ही कट करना है। सो गाइज उसके बाद हमने इसके नेक की फिनिशिंग करने के लिए ये हमने ओरे पट्टी ले ली है फैब्रिक की, जिसकी विद अबाउट 2 इंचज़ है। इसको हमने इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए प्रेस लगा ली है। अब गाइज हमने शोल्डर की बैक वाली साइड से रखते हुए स्ट्रिप को इस तरीके से स्टिच कर लेना है नेक पर ऑल अराउंड। एंड साथ में ही गाइज इसको 1 टाइम स्टिच करने के बाद इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए 2nd टाइम भी स्टिच कर लेना है, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। सो गाइज इस तरीके से यहाँ पर हमने नेक राउंड में ओरे पट्टी को स्टिच कर लिया है। एंड गाइज साथ में ही हमने इसके फ्रंट पर ये बटन्स भी ऐड कर लिए हैं ब्लैक कलर के। गाइज यहाँ जो हमने बटन्स लगाए हैं इसके बीच का गैप 1.55 इंचज़ रखा है। आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके गैप की लेंथ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सो गाइज जो बटन हमने फ्रंट में लगाए हैं वही सेम बटन हमने इसके स्लीव्स पर भी लगा लिए हैं। एंड गाइज अंदर की तरफ से हमने इसमें ये टिच बटन लगाए हैं, आप देख सकते हो। सो गाइज आप चाहो तो बटन कास्ट भी बना सकते हैं। वैसे ही इसके फ्रंट में हमने इसके फ्रंट को स्टिच कर दिया है, स्टिच करते हुए क्लोज कर लिया। आप चाहो तो इसके सेकंड प्लेकेट पर आप क्लोज ना करके उसमें काज बनवा सकते हैं या फिर टिच बटन लगा सकते हैं, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। साथ में ही गाइज हमने अबायो को नीचे से इक्वल करते हुए इसको पीको कर दिया था। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस अबाया। आपको ये अबाया कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप गाइज
इस छोटी सी वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सारे ही स्टेप्स को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा आई होप। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस अबाया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। एंड हाउ वाज दिस अबाया सो प्लीज़ कमेंट मी फॉर दिस अबाया टू। एंड गाइज दिस इज़ अ मंथ ऑफ रमज़ान सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। And guys, now it's time to go. Just before going, I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye-bye. Allah Hafiz.